लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीमार युवती को तंत्र विद्या से बेहोश कर तांत्रिक ने किया रेप। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में युवती से रेप करने का एक मामला सामने आया है। रेप का आरोप एक तांत्रिक पर लगा है, साथ ही तांत्रिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता अक्सर बीमार रहती थी। जानकारी के मुताबिक मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। कहा जा रहा है कि बीते 8 जुलाई को पीड़िता के परिजनों ने नगर कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी अक्सर बीमार रहती है। काफी डॉक्टरी इलाज कराने के बाद भी बेटी की तबीयत सही नहीं हुई। ऐसे में परिजन पीड़िता का रूहानी इलाज कराने के लिए वंशीधर द्विवेदी के पास ले गए। पीड़िता को देखने के बाद तांत्रिक ने कहा कि इसे मेरे घर पर अकेले पूजा पाठ करना होगा। गुजरात में ऊंची जाति में की शादी तो लड़की के घर वालों ने दलित को उतारा मौत के घाट। गुजरात से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अहमदाबाद के कस्बे में ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित युवक की सोमवार रात कथित तौर पर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने इंटरकास्ट मैरिज की थी। युवक पर उस वक्त हमला किया गया जब वह सुरक्षा के लिए गुजरात सरकार की अभ्यम हेल्पलाइन की एक टीम के साथ अपनी नवनिवाहित पत्नी को उसके मायके से लेने गया था। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने अत्याचार अनियमित की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का केस दर्ज कर इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अन्य 7 आरोपी फरार है। पुलिस ने कहा कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, वे सभी एक ही गांव के हैं। अभ्यम हेल्पलाइन की काउंसलर बाविका भागोरा ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा मारने वाले का नाम हरे सोलंकी था, उसकी उम्र 25 साल थी। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।